भले ही उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से कामयाब रही है। मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर मिली है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2019 से 20 तक 7.3% पर बनी रह सकती है। विश्व बैंक ने एक स्थिर अर्थव्यवस्था के संकेत दिए हैं। हाल ही में जारी हुई जीडीपी के आंकड़ों में भारत की ग्रोथ रेट 7.2% बताई गई है, जो कि काफी अच्छी है। इस ग्रोथ रेट के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है। जीडीपी में तेजी मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन भारत से पिछड़ गया है। इसी तिमाही में चीन की जीडीपी 6.8% की दर से आगे बढ़ रही है, जबकि भारत की जीडीपी 7.5% की दर से आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन जाने वाले तमाम निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। वहीं मेक इन इंडिया स्टार्टअप को शुरू करने में सरकारी मदद और देश के सीमांत व्यक्ति का बैंक खाता खोलकर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने जैसे काम से इकोनॉमी को बल मिलता है। विश्व बैंक की ओर से बुधवार को कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर विमुद्रीकरण के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त 2019-20 तक वापस 7.5% तक बनी रह सकती है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 7.3% होने का अनुमान है। आगे वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः विकास दर 7.5% बनी रह सकती है। टीम न्यूज़ नाउ।